मवाजना किया गया है कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके ड्रामों में तो होते ही होते, जिनको देखकर आप इंजॉय करते हैं, तो कभी कभार आपके घर में भी होते हैं। कोई ऐसा आमना सामना, कोई टकराव हो जाए, सास बहू का खतरनाक रिश्ते डिवेलप हो जाए कि एक सोप सीरियल आपके घर में चल जाता है, और ससुर जो है वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सास और बहू की हांडी जब पकड़ी होती है घर में, तो ससुर वैसे तो ड्रामे नहीं देखते टीवी पे, लेकिन वो घर में ड्रामे देख रहे होते हैं। तो मैं कोशिश ये कर रही थी कि स्क्रिप्ट के थ्रू ये जो सरफिरे लोग हैं ना, जो वो किसके शेर के मुंह में हाथ डालते हैं, मैं इससे तशबीह देना चाह रही थी, लेकिन फिर मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। बहुत सारी सासें और बहुत सारी बहुएँ नाराज़ हो सकती हैं, मैं अपने मैके वालों को नाराज़ नहीं कर सकती, मगर मुझे पता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत दफ़ा नाराज़ कर देती हैं। ये रिश्ता ही ऐसा है, ये इंटरनेशनल रूल है। सास बहू बहुत कोशिश करती हैं एक दूसरे से बनाने की, लेकिन पता नहीं कहाँ क्या कोई ज़रा से कच्चों, मतलब ये दोनों कच्चे कानों की होती, कोई ज़रा से कान में फूंक देता है ना बात, ओ हो बस इनके दरमियान जो एक या तो कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है, या ऐसी वॉर शुरू होती है जो हमने पाकिस्तानी ड्रामों में देखी है, चप्पलों से, कभी कुछ गालियों से, फलाना डमा को। लेकिन भाई अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ, घरों में महफूज रखे ये रिश्ते, इतने बहुत खूबसूरत रिश्ते भी हैं। यानी कि एक माँ जिसने पाल पोस के एक बेटा तैयार किया है, हैं, और अगर उसकी अच्छी परवरिश की है तो बहू का नसीब अच्छा है कि उसको एक अच्छा प्यार करने वाला, इज्जत देने वाला हस्बैंड मिला है। और अगर पाल पोस के अच्छा बच्चा तैयार नहीं हुआ है, फिर बेचारी वो भी बहू का नसीब। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.